इसका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिनाले हो रहा है, ग्रैंड फिनाले हो रहा है खतरों के खिलाड़ी का। सबसे पहले कितना खतरा देख रहे हैं अंदर? हाँ, बहुत इतने सारे खतरों से खेल के हम सब आए हैं 2 महीने केप टाउन में, वो भी साउथ अफ्रीका। एंड यू नो, ये पूरी जो जर्नी थी बहुत ही अलग थी। एंड ऐसा कोई भी शो नहीं है जो खतरों के खिलाड़ी के जैसा है, बहुत ही डिफरेंट है। इतने सारे एडवेंचर्स होते हैं, इतने सारे स्टंट्स होते हैं। एंड मैं सबसे यंगेस्ट थी, यंगेस्ट कंटेस्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ खतरों के खिलाड़ी, तो मेरे लिए एक अलग ही स्टेप था। और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि जो लोगों का रिएक्शन था वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि कैसे लोग एक एक छोटी छोटी चीज़ को यू नो सपोर्ट कर रहे थे। एंड मैं ट्रेंड करी थी ट्विटर में, मैं ट्रेंड करी थी इंस्टाग्राम पे एंड गूगल पे। इतना प्यार मिला मुझे खतरों के खिलाड़ी की वजह से एंड मेरे फैंस से, तो थैंक यू सो मच गाइस। जब आपको ऑफर किया गया था, आपको नहीं लगा कि मतलब मम्मी पापा ने क्या बोला खतरों से खेलने जाओगी तुम? हम सब ऑनेस्टली, मैं सबसे ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं सबसे छोटी होंगी जब भी जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मेरे उम्र के सब आएंगे, तो मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि सब जो भी दूसरे थे सब 6 फुट के हैं, सब फिटनेस फ्रीक्स हैं। एंड कोविड की वजह से हम सब ट्रेन भी नहीं कर पाए थे, तो मैं ऑनेस्टली अनप्रिपेयर्ड जाने वाली थी। बट मेरे पेरेंट्स हमेशा से मुझे बचपन से सपोर्ट करते आ रहे हैं। एंड ऑल्सो मैंने सोचा कि सब तो जाते ही है ना, 23-24 में तो सब जाते ही, हम कुछ अलग करते हैं देखते हैं। बिकॉज आई ऑनेस्टली फील कि यू नो, एक 18 साल की उम्र में जाना और एक 25 साल की उम्र, बहुत अलग पर्सपेक्टिव है। डिफिकल्ट तो दोनों ही है, डिफिकल्टी तो सब में ही है, किसी भी उम्र में जाओ। बट आई थिंक एक पर्सपेक्टिव आपको दूसरा मिलता है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि एक ऐसा एडवेंचर का मौका मिला मुझे एंड हमेशा मुझे याद रहेगा। चलिए, दिव्यांका एक तरफ और अर्जुन एक तरफ, जी ट्रॉफी बिंचिंग है, आप किसको देखना चाहती हैं? यू नो, बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि एक तो विशाल भैया ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, अर्जुन भैया ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, दिव्यांका दी तो मतलब सबसे इंस्पायरिंग थी मेरे लिए, क्योंकि एक तो वो लड़की है एंड उन्हें जब मैं परफॉर्म करती हूँ देखती थी तो मुझे लगता था यू नो मैं भी कर सकती हूँ। वो हमेशा से मुझे बैठ के, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बट यू नो, दिव्यांका दी खुद जब अच्छा परफॉर्म करती थी मुझे आके वो यू नो शांत करती थी कि अनुष्का हो जाएगा, काम डाउन। तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, अर्जुन भैया एंड दिव्यांका दी, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया थ्रू आउट द सीजन। सो आई विल बी हैप्पी जो भी जीते, मैं बहुत खुश रहूँ। बट किसको आप देखना चाहेंगे? तो एक तो होगा बिंद्रा। इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि दोनों ही ना मेरे बहुत क्लोज हैं। ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई एक ज़्यादा क्लोज है। इनफैक्ट अगर मैं पर्सनल रिलेशन भी छोड़ दूँ, अगर मैं सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज भी बोलूँ तो बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे बहुत सारे स्टंट्स हैं जो बहुत लोग नहीं कर पाए, बट अर्जुन भैया ने बहुत अच्छे से किया। एंड ऐसे बहुत सारे स्टंट्स हैं जो बहुत लोग नहीं कर पाए, बट दिव्यांका दी कर गई। सो आई विल बी हैप्पी दोनों में से जो भी जीते, आई एम वेरी। अनुष्का कितनी चेंज हुई है आफ्टर यू नो खतरों के खिलाड़ी? पर्सनली खुद को कितना कॉन्फिडेंस महसूस कर? पर्सनली मैं बहुत चेंज हुई हूँ मेंटली एंड फिजिकली। तो होता ही है, आप थोड़ा एक्सरसाइज करो तो फिजिकली चेंजेस, आप फिटर हो जाते हो, आप टोन हो जाते हो। बट मेंटली आई थिंक मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ खतरों के खिलाड़ी के बाद। नॉट ओनली बिकॉज यू नो वहाँ पे आप कीड़े मकोड़े में जाते हो या पानी, आई थिंक वहाँ अकेले रहना एंड आप जब आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं है सेट पे एंड वहाँ पे अकेले आप फ्रेंडशिप्स बिल्ड हो रहे हैं एंड वो सिचुएशन को आप अकेले काइंड ऑफ जब स्टंट में जाते हो आप अकेले रहते हो वहाँ पे। तो मेरे लिए पहली बार था कि मेरे मॉम डैड सेट पे नहीं है, डैड केप टाउन में थे बट होटल में थे सिर्फ। तो मेरे लिए इतना ये लगता था कि यू नो आपको खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद को ही बताना पड़ेगा कि करके आना है। सो आई थिंक आई हैव बिकम मेंटली मोर स्ट्रांग एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस शो फॉर दैट।